गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपके बारे में मुझे यूट्यूब से पता लगा और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से आपकी न्यू वीडियो नहीं आई है। 9th पार्ट आपने बोला था कि न्यू पार्ट आएगा, क्योंकि सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था नया अपना, और मुझे 99 सिपाही हिसार के बारे में पता लगा। तो मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जानना चाह रहा था कि मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी वीडियो से थोड़ी, तो मैं आपसे, मैं कहा सर लाइव मिल लूँ आपसे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जान लूँ, तो सर आप जी, प्लीज़ बता सकते हैं। हमारे में ये होता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए होते हैं। जी 5 लाख रुपए में शोरूम रेडी हो जाता है। 5 लाख रुपए में शोरूम रेडी हो जाता है कि ये 6-7 हजार आइटम में, मतलब वैरायटी आ जाती है, क्वांटिटी। उसमें क्या होता है, पूरा शोरूम हम रेडी कर देते हैं, जैसे डिस्प्ले सारी आइटम कर देंगे, और जो स्टॉक होता है वो आपको अलग रखना होगा, और जो वैरायटी सारी डिस्प्ले करनी होगी, आपके पास क्वांटिटी सेल होगी। मिनिमम 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है ये बिजनेस। बाकी इसके अंदर जैसे हम 5 लाख भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, 15 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। मेन 10 और 15 और जो 20 लाख रुपए की बात मैं कर रहा हूँ, वो एक दूरी के ऊपर है। जैसे कि हमारे हरियाणा हिसार से आप कितनी दूर हो, जैसे कि आपको एक ये भी पता ही है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, कि हमारे गुजरात में भी है कि उस काउंटर से कितनी दूरी पर है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा आपको स्टॉक लेना होगा एक्स्ट्रा। तो देखो, क्वांटिटी सेल होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज मेन है। जी सर, सर मिनिमम 5 लाख से ही स्टार्ट होगी फ्रेंचाइजी। मिनिमम 5 लाख से ही स्टार्ट होगी और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। ओ सर, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा इसमें? ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होता है, जैसे कि जो 100 किलोमीटर दूर, 200, 300, 400, 450 तक कस्टमर का लगता है जी हमारी तरफ से, ये होता है। और जब 500 किलोमीटर दूर हो जाएगा तो हम आधा देते हैं आधा हमारे आधा काउंटर से। जी जैसे हमारा काउंटर यहाँ है, 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर तक तो देखो कस्टमर का लगना है, जी जी किराया जी जो भी है। हमने दूर वाले कस्टमर को इसलिए देगी, हम दूर भी काम कर सकते हैं कितना भी दूर हो, इसीलिए जी बस दूर वाले को क्वांटिटी लेनी होती है ज्यादा, और क्वांटिटी ही सेल है, ये जी चीज है सर सर। जी। और सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं आपसे स्टॉक लेके जाता हूँ सर, जी तो सर कुछ आइटम्स होती हैं जैसे सर वो सेल नहीं हो पाती हैं, तो जी उसका जी सर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे? जैसे कि कोई आइटम नहीं चलती, जैसे कि हाँ इसका भी हमारे पास ये है, जैसे कोई आइटम टूट फूट भी होती है, जैसे जी टब जी बाल्टी जी वगैरह टूट जाती हैं, वो जैसे चेंज होती हैं, जी चेंज होती हैं। और प्लस जैसे कोई आइटम नहीं चल रही जी वो भी चेंज हो जाती हैं। जी सर जैसे मैंने आपको जिस स्थिति में दी है, जैसे मैंने आपको कवर में एक आइटम दी है, मान लो कि एक इमरजेंसी लाइट है, जी जी एक बॉक्स में आती है पैकिंग में, जी गिफ्ट जी पैक में पैक होके आती है, मेन जी जो चीज यही है। अगर गिफ्ट पैक में अगर मान लो कोई चीज अगर खराब निकली है, जी सही नहीं है, जी उसको हमने उसी स्थिति में पैक करना है। जी उसी स्थिति में पैक करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमें सेफ करके रखना है। जी जैसे एक हैंड वॉच होगी, जी हैंड वॉच के अंदर क्या है कि मान लो वो चल नहीं रही, सेल लिया भी गया, देखो हजारों घड़ियां आपके पास जाएंगी आगे बिकेंगी, उसमें वो चल नहीं रही, अगर वो सही नहीं है, हमें पता है कि उसको वैसे पैकिंग में की और एक बॉक्स में जी रिप्लेस आइटम, जी तो जी एक बॉक्स में एक अलग से साइड में ही हमने रख दी, जी सर और वो तरीके से रखी ताकि वो हमने चेंज करवानी है। जी अगर वो स्थिति में नहीं आती तो नहीं होगी चेंज। और चेंज होने का एक सिस्टम दिया हुआ है हमने आपको, जैसे कि हमारी डे बाई डे की सेल होती है, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, जो भी। जी चेंज होने के सिस्टम के अंदर ये होगा कि आप महीने की 1 तारीख से, जी महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख जी के दौरान आप आइटम चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपके पास 2 लाख कट्ठे हुए, 3 लाख कट्ठे हुए, 4 लाख कट्ठे हुए, पेमेंट के साथ 10% चेंज है। मान लो आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए, जी सेल तो होनी है, जी जी आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए आज, और 50,000 रुपए का आपके पास कोई सामान अगर रुका पड़ा है, कोई जैसे टब बाल्टी वगैरह जो भी टूटी फूटी है, और जी जो आइटम ऐसा है कि वहां उस एरिया में वो आइटम बिक ही नहीं रही, जी तो आप वो आइटम इकट्ठी करके 50,000 रुपए का सामान आप चेंज करवा सकते हो जी सर पेमेंट के साथ। आपने अगर मुझे 1 लाख रुपए दिए जी
तो 1 लाख रुपए के साथ आपको दिख रहा है मेरी शॉप पर 10,000 रुपए का सामान नहीं चल रहा। जी कुछ थोड़ी बहुत आइटम टूटी फूटी होती है, कुछ आइटम ऐसी होती है जो यार ये नहीं चल रही, और वो आपकी आइटम 10,000 रुपए की चेंज हो जाएगी, पेमेंट के साथ 10% चेंज। 10% सर जी सर, उसमें क्या है ना सर, आपका साथ की साथ, अगर जी आपने जरूरी तो ना कि 6 महीने लगाने हैं, 2 महीने लगाने हैं, 1 साल लगाना है, जी इकट्ठी कर बैठोगे तो वो आपका भी लॉस है और मुझे भी लॉस है, जी सर क्योंकि साथ के साथ चेंज हो जाएंगी। जिस कंपनी की चीज होती है वो उस कंपनी में ऐड होके दोबारा बनकर दोबारा आ जाती है। मेन जो चीज है, अगर साथ के साथ, जैसे अब आपकी डे बाई डे की 30,000 40,000 50,000 एक हफ्ते में आप आए हो, जी या आप 10 दिन में आए हो, या आप 15 दिन में आए हो, तो सामान आपके पास देखो 15 दिन में आप मान लो इकट्ठे करके लाए हो 3 लाख रुपए, जी 30,000 रुपए का सामान पड़ा है एक्स्ट्रा, उसको चेंज बाई हैंड करवा लो, जी इकट्ठा करोगे तो आपका भी लॉस है और मुझे भी लॉस है, जी क्योंकि वो आपको मैंने सुविधा इसलिए दी हुई है कि ये पता होना जरूरी है कि 10% चेंज है जी पेमेंट के साथ। अगर आप आए, जैसे कि मान लो कि आपके पास सेल इकट्ठी हो गई 2 लाख रुपए की, जी आपने 20 दिन 15 दिन में 5 दिन में या 1 दिन में 2 दिन में जो भी आपने सेल इकट्ठी की, जी वो आपने 2 लाख रुपए तो अपने पास रख रखे हैं, जी और आप 1 लाख रुपए का सामान उठा के ले आइए, चेंज करके दे दो और मैं सामान करके ले जा रहा हूँ, जी और वो जो सेल हुई हुई है वो कहाँ गई, वो जी आपकी शॉप उस टाइम माइनस में जाएगी, जी जी क्योंकि वो अगर वो चीज नहीं करते तो मैं भी माइनस में जाऊंगा, जी क्योंकि ऐसा करना आप भी लॉस में और हमें भी लॉस में लाना चाहो, जी इसीलिए हमने ये फैसिलिटी लाई है कि मेन जो चीज पेमेंट के साथ 10% चेंज है, बिना पेमेंट के चेंज कराओगे तो चेंजिंग नहीं है। जी सर ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि कस्टमर को पता लगे, जी ये चीज है सर। और और सर कुछ? पैकिंग में होना चाहिए वो जो हम रिटर्न करवाएंगे सर। जी मतलब जैसे जिस स्थिति में मैंने आपको जो चीज दी है जी उसी स्थिति में होगी चेंज। ठीक है जी सर। सर सर जैसे मेरे नोन में है कुछ, वो कहते हैं कि आपके सर हमें कैटलॉग मिल जाए या PDF फाइल मिल जाए, हम भी देखना चाहते हैं कि 99 शिपा जी में कैसे प्रोडक्ट हैं क्या है। जी जैसे कि मैं नए साल पर जी मैंने वीडियो देखो मैंने लानी थी, और लानी भी है और तैयारी भी चल रही है जी और समय लग रहा है, और वीडियो ऐसी आएगी जो आपको सबको हर आइटम दिख जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी, और वो नए साल पर दूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, जी सर क्योंकि नया साल, तो फिर नए साल पर ये नहीं है कि वीडियो बनाना, और थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं कि नए साल पर ही हम आपको ऐसी वीडियो देंगे, जी 2020 को टाटा बाय बाय भी करनी है। जी सर देखो वैसे तो सबके लिए थोड़ी परेशानी लेके आया, जी लेकिन कुछ समय और रह गया है, सबको अच्छा और बहुत बढ़िया हो जाएगा, जी ये 2020 को बाय बाय भी करेंगे सभी मिलकर जी और बहुत अच्छा होगा। जी सर जी सर जी सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, जी सर काफी टाइम से वेट हो रहा है कि आपने कहा था कि नया सेंटर बनारस में खुलने जा रहा है, तो सर अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है उस चीज की कि जी कब होगा सर क्या। हमारे बनारस की टीम रेडी हो चुकी है और सेटअप हमारा रेडी हो रहा है, और मेन जो चीज है, जब मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि 2020 को हम बाय बाय करेंगे जी और ये सेटअप हमारा रेडी होगा और सभी को ये पता लग जाएगा कि ये सेटअप हो चुका है और अच्छा भी लगेगा। टीम हमारी रेडी हो चुकी है, सेटअप रेडी हो रहा है, और लोकेशन हम आपको तभी बताएंगे जब अगली वीडियो जब बनेगी। अगली वीडियो तो हमारी नए साल पर तो हमारी वो जो आइटम दिखेंगी, जी और जो उससे अगली वीडियो आएगी जी तो वो उसी चीज की ही बनेगी। मेन जो इससे जो नए साल पर हमने जो वीडियो बनानी है और जो हम आपको देंगे, जी और उस वीडियो में तो हम आपको सभी कुछ ओपन कर देंगे कि आपको हर आइटम दिख जाएगी, कि PDF की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर कस्टमर PDF बोल रहे हैं मुझे PDF भेज दो ये कर दो, हम आपको सारी आइटम ही ओपन दिखा देंगे जी सर। तो सर नए साल के साथ काफी जी मतलब धमाका होने वाला धमाका होने है। वाला है और होगा भी सही, और आपको आपकी दुआ से होगा सभी जी की, वो भी बनारस में जब बनेगा हमारा तो वो एक एक नया ही सेटअप होगा। चलिए सर थैंक यू जी सो मच आपका टाइम देने के लिए। जी और मेन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई जी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, चलने भी लग गई जी और आने भी लग गई, जाने भी लग गई, जी सर और मजा आ रहा है उस चीज में।
कि जैसे कि आपके पास मान लो आपके रूट पर मेरी गाड़ी गई हुई है, जी तो वहां से सामान ले आएगी, जी आपके पास सर कोई टूट फूट का है, लेकिन कंफर्म आपको करना पड़ेगा, ये जी चीज है मेन आपके काम यही चीज आएगी, और ये इसी फैसिलिटी के लिए, ये नहीं है कि मेरी गाड़ी कहीं जा रही है, मेरे किराया ले गई, एक ही चीज में कमाना है, मैंने अपने बिजनेस में कमाना है, जी बिजनेस में कमाना है, और ये नहीं है गाड़ियों में भी कमाना है, ऐसा नहीं जी होगा। सर। बाकी और चीज कोई पूछना चाहो तो पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, वो कुछ थोड़ी बहुत डाउट्स थे वो क्लियर हो गए जी 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 सर। जी जी मैं कहा सर लाइव मिलके ही आपके साथ क्लियर कर लिया जाए। हाँ। चलिए मेन थैंक एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ जी कि कस्टमर ये कह रहे हैं कि पेमेंट जी पेमेंट डाल देते हैं आपके अकाउंट में, जी आप गाड़ी भेज दीजिए, जी हमें ये बोलते हैं कि आपके अकाउंट में हम पेमेंट डाल रहे हैं, आप हमारी गाड़ी लगा दीजिए। सर हम एक दूसरे से जब मिले ही नहीं, जी जब आप हमारे शॉप पर आए नहीं और आपके पास हम मिले नहीं, और प्लस आप बोल देते हो हमने आपकी वीडियो देखी और हम आपको पैसे दलवा देते हैं और आप हमारी गाड़ी लगवा दीजिए, जी कृपया मैं आपसे ये करना चाहता हूं, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, किसी को भी बिना देखे बिना मिले पेमेंट मत डालिए, किसी को भी, चाहे वो हमें हो चाहे वो कोई भी हो, आपका क्या सबका इस चीज में बेनिफिट है, और मेन जो चीज है ये चीज पर ध्यान जरूर देना, हम किसी पर किसी से भी पेमेंट नहीं लेते ऐसे, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से क्या होता है पता लगता है कि हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि इस चीज का नुकसान आपको मिल सकता है, क्योंकि ऐसा आप कभी मत करना, अब एक दूसरे से मिलने के बाद ही पेमेंट डलवाना, वरना किसी की पेमेंट मत डलवाना, वो उसमें आप ही का फायदा है, मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है, और आप जो कहोगे हम वही कैसे करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे मिलने से पहले किसी से पेमेंट नहीं लेते, एक ही बात बोलते हैं क्योंकि ये जरूरी है। ओके थैंक यू सर। गुड नाइट।